हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आज ये लुक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि समर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है वाटर प्रूफ है और साथ ही ये जो मेकअप है बिल्कुल भी स्वेट प्रूफ है और ये लॉन्ग लास्टिंग होगा ये मेकअप आपके लिए तो इसी और साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ सुनीशा फाउंडेशन को लेकर के एवरी तो सबसे पहले इसे अप्लाई करने के लिए हमें टोनर अप्लाई कर लेना है क्योंकि स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो टोनर अप्लाई मैंने कर लिया है और अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ सीरम जिससे कि मेरा चेहरा बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाएगा इसके बाद अगर आपकी स्किन जो है एक्सट्रीमली ड्राई रहती है तो आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करो नहीं तो फिर आप सीरम ही अप्लाई कर लो इससे मेरा हो जाता है अच्छे से मेरी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है तो इसलिए मैं सिर्फ सीरम अप्लाई करूँगी इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर प्राइमर इसलिए ताकि जो आपके पोर्स हैं वो बिल्कुल भी मिनिमाइज हो जाए और फाउंडेशन जो है वो अच्छे से निखर के आए एंड गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है तो वीडियो को फुल वॉच करना एंड साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है आउटर पैकेजिंग जो है बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव है जो कि कुछ इस तरीके की है इसमें ना ब्लैक कलर का आपको आउटर पैकेजिंग मिल जाती है और कुछ इसी तरीके की आपको ग्रीन में स्पॉट्स इसमें मिल जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव लगेगा और इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आपको समझ में नहीं आएगा बस आपको समझ में आएगा सुनीसा ब्यूटी सीसी क्रीम दैट्स इट इसमें एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं है तो आपको थोड़ा सा सोच समझ कर लेना होगा एंड साथ ही इसमें किसी तरीके का भी प्राइस वगैरह भी नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए आप देख सकते हो कई सारी वेबसाइट्स पे ऐप्स पे आप देखोगे कि इसकी प्राइस ना अलग अलग तरीके से है तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का कवर मिल जाता है हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है और कुछ इस तरीके का यहाँ पे फाउंडेशन मिल जाता है यहाँ पे भी आपको सुनीसा फाउंडेशन सीसी क्रीम के अलावा कुछ भी समझ नहीं आने वाला है अगर आपको कोरियन लिखा हुआ आता है तो आप पढ़ सकते हो बट ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कैप में आपको मिल जाती है मिरर और सामने कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है ढक्कन जैसा कैप उसके बाद आप यहाँ पे एक लीड आपको मिल जाएगी उसे हटाने के बाद आप देख सकते हो आपका फाउंडेशन आपके सामने होगा कुछ इस तरीके का और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ तो इसे आपको बंद करना है और उसके बाद आप देखो हल्का सा आपको बस इसे खींचना है बिल्कुल ध्यान में रखते हुए तो आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके की फाउंडेशन क्रीम है इसमें आपको ट्वेंटी ग्राम मिल जाता है तो अगर ये जो प्राइस है ना अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग तरीके की है और आपको डिलीवरी चार्ज भी इसमें अलग से देना होगा तो ब्यूटी ब्लेंडर जो था वो भी अच्छी क्वालिटी का था मुझे लग रहा था कि निकल जाएगा बट ये नहीं निकला तो ये अच्छी क्वालिटी का लगा और उसमें हैंडल रहने के बाद आपका अप्लाई करना और भी अच्छा हो जाता है और साथ ही ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है बहुत ही ज़्यादा सही है तो आप देख सकते हो मैंने इसे अप्लाई करना शुरू किया है तो ये जो डॉट डॉट करके जो डिज़ाइन आती है ना इसकी वजह से ब्लेंडिंग बड़ी अच्छी तरीके से हो जाती है बट इसे आपको यूज़ करने के लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा आपको आ, क्रीम का जो ये सी सी क्रीम है इस्तेमाल आपको करना पड़ सकता है बिकॉज़ ये थोड़ी सी क्वान्टिटी में बहुत ही नेचुरल लुक देता है समझ में भी नहीं आएगा कि आपने कुछ अप्लाई किया है ठीक है तो इसलिए थोड़ी सी आप ज़्यादा क्वांटिटी में आप लेकर अप्लाई करो और मैं आपको दिखा रही हूँ हाफ़ फेस इधर सिर्फ ये सीसी क्रीम यूज़ करके आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस और सबसे अच्छी बात है ना कि आप इसे कितना भी ज़्यादा ये यूज़ कर लो तो इसमें ना जा आपको ओवर कुछ भी नहीं लगता कि आपने ओवर मेकअप किया हुआ है इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि आप जब इसे अच्छे से अप्लाई कर लेते हो ना इस क्रीम को तो आपका जो लुक है वो बिल्कुल भी नेचुरल एंड ग्लासी लगता है और आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो अच्छे से और साथ ही आप देख सकते हो इसने जो मेरे अन ईवन स्किन टोन को भी बिल्कुल सही किया है इवन स्किन टोन दिया है एंड साथ ही अगर आपकी डार्क सर्कल्स हल्की सी है तो ये तो सही कर देगा बट दो बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा बट अगर आपकी डार्क सर्कल्स या डाराक धब्बे आपके चेहरे पर हैं तो आपको कंसीलर या फिर कलर करेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है तो इसे आप हल्की सी थोड़ी अच्छी क्वान्टिटी में यूज़ करना आपको अच्छा लुक मिलेगा उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ये मेवलिन uh, का ही ये कॉम्पैक्ट है तो इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए इसका जो सीसी क्रीम है ना आपको दूसरे सीसी क्रीम जैसा ही लगेगा बट इसकी जो एक ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक देता है उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ आई सेडो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन शेड लेकर के अप्लाई किया उसके बाद ब्राउन शेड लेकर के अप्लाई कर रही हूँ एक बात और बता दूँ मैं आपको यहाँ पे मैंने सिर्फ सुनीशा फाउंडेशन से मेकअप करके आपको दिखाया हुआ है मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट uh, नहीं हूँ कि जो बहुत अच्छे से मेकअप करूँगी बस जो थोड़ा बहुत आया मैं आपको दिखा रही हूँ ठीक है आई होप आपको पसंद आए अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें उसके बाद यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज़ को फिल किया है मैंने अब लाइनर अप्लाई करने जा रही हूँ तो लाइनर अप्लाई करते वक्त आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना होता है जो कि मैं मोबाइल की स्क्रीन से बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी तो यहाँ पर मैंने मिरर ले लिया और उसके बाद यूज़ कर रही हूँ मस्करा तो आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप करीब करीब कंप्लीट हो चुका है मस्करा लगाने के बाद उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप काजल अप्लाई कर सकते हो नहीं तो छोड़ सकते हो आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप आई होप कि आपको थोड़ा बहुत पसंद आ ही रहा होगा तो इसके बाद मैं यूज़ करूँगी लिपस्टिक यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ L18 की मैट लिपस्टिक जो कि मैट बिल्कुल भी नहीं लगती है ग्लॉसी है तो आप ये वाली लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो जो आपको थोड़ा मैट थोड़ी ग्लॉसी लिपस्टिक अगर आपको पसंद है जैसे कि ज़्यादा मैट भी ना हो और ज़्यादा ग्लॉसी भी ना हो तो अगर आपको ऐसे रेंज की लिपस्टिक पसंद है तो आप एल की ले सकते हो सौ रुपये में अच्छी खासी लिपस्टिक आ जाती है इसके बाद हाईलाइटर अगर यूज़ ना किया जाए तो मे तो मेकअप बिल्कुल भी अधूरा है आप मेकअप करो ना करो मेरी एक बात ज़रूर मानो हाइलाइटर लगा लिया करो लुक जो है लुक में ना आपका चार चांद लग जाता है तो कुछ इस तरीके से आपको हाइलाइटर लगा लेना है उसके बाद आप अपनी आईब्रोज़ के नीचे बिल्कुल भी ना भूलें ब्रो बोन पर लगाना अच्छा लगता है आई सैडों के बाद जब आप लगाओगे तो थोड़ा सा लुक आपको थोड़ा सा अच्छा दे देता है तो कुछ इस तरीके से अच्छे से आप अप्लाई कर लो आईब्रोज़ के नीचे एंड गाइज एक बात बता दूँ आपको कि जब भी कोई चीज़ आप अप्लाई करते हो ना अपने फेस पे जैसे कि सीरम हो गया या फिर और भी कोई चीज़ हो गया तो उस चीज़ को या फिर डी ही आप क्यों नहीं यूज़ करते तो उस जो हमारी स्किन सेल्स होती है उसे आने में ना तीस दिन लग जाता है तो उस चीज़ को आप कम से कम एक महीने ज़रूर ट्राई किया करो ठीक है ये मेरी ब्यूटी टिप्स है आप ज़रूर फॉलो करना यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश ब्लश हल्का सा यूज़ करूँगी ताकि लुक अच्छा लगे हाइलाइटर के ऊपर यूज कर रही हूँ ताकि अच्छा लग रहा है तो अब आप देख सकते हो मेरा फाइनल लुक जो कि कुछ इस तरीके का है हल्का सा मैंने अपने बालों को कर्ल किया हुआ है और जो गले की सेट थी ना वही मैंने माथे पर कुछ इस तरीके से लगाया हुआ है आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा ये लुक आप चाहो तो आप जुड़ा कर सकते हो बाल खुले रख सकते हो एंड गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मिलती हूँ अगले वीडियो में सो टिल देन बाय बाय अगर एंड हो किसी वीडियो की रिक्वेस्ट या हो कुछ सजेशन तो प्लीज कमेंट कर देना